सो फाइनली दोस्तों आपके सामने है बजाज डोमिनार 250 सीसी जो कि है OBD2 मॉडल, रिसेंटली लॉन्च हुआ है न्यू कलर न्यू ग्राफिक के साथ। तो इस बाइक का हम रिव्यू करने वाले हैं, तो टोटल स्पेसिफिकेशन है वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले ऑल ओवर जो प्रोफाइल है बाइक का वो चेक कर सकते आप। ये बाइक की टेल लाइट रियर प्रोफाइल, तो बाइक के फ्रंट प्रोफाइल आप चेक, फ्रंट से कुछ ऐसी नज़र आ रही है। डोमिनार के काफ़ी लवर्स हैं तो उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो है जो डोमिनार को पसंद करते हैं। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, तो फ्रंट लुक कुछ ऐसा है इसका। फ्रंट में जो हेडलाइट सेटअप है वो आपको फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप मिलता है और ब्लैक कलर की विंडशील्ड मिल जाती है जो कि काफ़ी यूनिक लग रही है। और फ्रंट नंबर प्लेट यहाँ असेंबल होगी जिसके लिए पत्ती दी गई है। LED टर्न इंडिकेटर्स जैसे कि KTM ड्यूक में देखे होंगे आपने, सेम उसी तरीके से LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं इस बाइक में। फ्रंट जो मड गार्ड है वो फुल्ली स्पोर्टी लुक में है, डिज़ाइन आप देख सकते हो ग्लॉस विद मैट फिनिश के साथ में जो इसका फ्रंट मड गार्ड है वो दिया गया है। फ्रंट में आपको डिस्क विद ABS की ब्रेकिंग मिल जाती है, बाइबर के कैलिपर दिए गए हैं। और फ्रंट में जो टायर है वो MRF कंपनी का है, 300mm की डिस्क। फ्रंट टायर साइज इसमें 100/80 17 inches का ट्यूबलेस टायर है। और जो एलॉयज है वो ब्लैक कलर के हैं जिसमें कि आपको स्ट्राइप मिल जाती है सिल्वर कलर की। नीचे की तरफ में इंजन काउल मिल जाता है फाइबर बॉडी में जो कि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। और ये इसकी लिक्विड कूल सिस्टम, सिंगल हॉर्न दिया गया इस बाइक में, रेडिएटर ग्रिल, तो ये इसका रेडिएटर बिकॉज ये लिक्विड कूल बाइक आती है। यहाँ कूलेंट लेवल देख सकते हो आप। यहाँ DTS है, ट्विन स्पार्क इंजन है OBD2 सेंसर के साथ। ऑयल फिल्टर यहाँ देख सकते हो आप। उसके बाद में ये लेग गार्ड, ब्रेक पैडल, राइडर फुट रेस्ट, और ये चीज़ मेटल में दी गई है, काफ़ी सॉलिड है। उसके बाद में पिलियन फुट रेस्ट विदाउट ग्रिप के साथ। ये इसका ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट, काफ़ी बल्कि और काफ़ी हैवी है। उसके बाद में रियर साइड में भी आपको डिस्क विद ABS यानी ड्यूल चैनल ABS है बाइक। और रियर टायर साइज की बात करें तो इसमें दिया गया 130/70 17 inches का ट्यूबलेस टायर है, वही MRF कंपनी का ट्राइप है। ये डिज़ाइन है काफ़ी प्यारा लग रहा है। रियर साइड में आते हैं तो यहाँ नंबर प्लेट असेंबल के लिए दिए गए हैं। यहाँ लाइट, छोटी सी लाइट दी गई है नंबर प्लेट विजिबल के लिए। ये आपके इंडिकेटर्स, तो ये इस बाइक के LED इंडिकेटर्स। और ये टेल लाइट जो कि फुल्ली LED है। साइड में रिफ्लेक्टर। और इस साइड में आता है तो 250 डोमिनार 250 की 3D में ब्रांडिंग मिलेगी, स्प्लिट टाइप ग्रैब रेल्स ब्लैक कलर में जो कि मेटल में है। एक्सल में है सारी गार्ड, काफ़ी बड़ा है, प्रोटेक्शन के हिसाब से काफ़ी अच्छा दिया गया है। नीचे इधर में टायर एयर प्रेशर मेंशन किया गया है फ्रंट एंड रियर साइड। इस साइड में भी आपको इस तरीके से मिलेगा फुल्ली मेटल राइडर फुट रेस्ट। नीचे की तरफ में जो गियर है वो मेंशन किए गए हैं, फर्स्ट डाउन में लगेगा बाकी सारे ऊपर। और 6-speed का गियर बॉक्स है। यह है ब्लैक कलर, इंजन का जो कलर है वो ब्लैक कलर है। और इस बाइक में आपको ओनली साइड स्टैंड दिया गया, मेन स्टैंड का ऑप्शन नहीं मिलता है इसमें। और रियर सस्पेंशन है इसमें नाइट्रोक्स मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन। स्प्लिट टाइप सीट है इसकी, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है राइडर और पिलियन दोनों के लिए। और सिटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, काफ़ी हैवी और बल्की बाइक है ये। और यहाँ पे डोमिनार की 3D में ब्रांडिंग मिलेगी क्रोम फिनिश के साथ। और इस बाइक का जो ग्राफिक है वो आप चेक कर सकते हो, न्यूली ग्राफिक के साथ में लॉन्च हुई है डोमिनार 250। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। तो अब बात करते हैं इसके मीटर कंट्रोल की, फुल्ली डिजिटल मीटर कंट्रोल है, कलर आप चेक कर सकते हो, डार्क ग्रे के साथ में ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया गया है। RPM मीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, टैकोमीटर, क्लॉक, न्यूट्रल लाइट, इंजन मलफंक्शन लाइट, RPM लाइट। और ये इसके मेन्यू और सेट दो बटन दिए गए जिससे कि आप
ऑपरेट कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल। लेफ्ट साइड आते हो तो पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम स्विच, लेफ्ट राइट टर्न इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स ऑन करके दिखाता हूँ, ये इसके एलईडी इंडिकेटर्स काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। शार्प एंड स्लीक डिज़ाइन है एकदम शॉर्ट में। ये इस बाइक का एलईडी हेडलाइट सेटअप, ये पासिंग स्विच, और काफ़ी वाइड हैंडल बार है इसका, सिंगल पीस हैंडल बार। और जिसके आरबीएम ग्लासेस हैं ये मेटल में दी गई, जो इसकी रॉड है। तो बिल्ड क्वालिटी ऑल ओवर काफ़ी हैवी दी गई है इसमें। राइट साइड में आते तो रेड कलर का इंजन किल स्विच, ये हेडलाइट स्विच, ये सेल्फ स्टार्ट। रियर डिस्क के लिए ऑयल डब भी है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो ऑयल लेवल। तो अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन की। तो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है बाइक 27 PS एट 8500 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है बाइक 23.5 न्यूटन मीटर का एट 6500 RPM पे। इस बाइक का जो इंजन है वो है सिंगल सिलेंडर DOHC एयर कूल्ड 4 वेल्व्स FI ट्विन स्पार्क OBD2 न्यूली लॉन्च इंजन। और इसका जो फ्यूल टैंक है वो है 13 लीटर्स का, और माइलेज की बात करें तो 38 km/h की इजिली माइलेज मिल जाएगी बाइक से। इस बाइक का जो फ्रंट सस्पेंशन है वो है अपसाइड डाउन फोर्क, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट की बात करें तो 800 mm की सीट हाइट दी गई है इस बाइक में। सबसे अच्छी चीज़ इस बाइक में आपको स्लिपर क्लच मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद में इसमें एक चीज़ की कमी रही है, जो इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल है उसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेशन नहीं मिलता है इस बाइक में। साइड स्टैंड में इंडिकेशन मिल जाता है, और स्प्लिट टाइप सीट है, और यहाँ पिलियन सीट पर आपको लोगो मिल जाएगा डोमिनार का। इसकी टेल लाइट फुल्ली एलईडी स्प्लिट टाइप जो टेल लाइट है वो दी गई है, और टैंक के ऊपर में छोटी सी डिस्प्ले है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी चीज़ें मेंशन हो रही हैं, बैटरी सिग्नल, बजाज का लोगो, ABS चेक लाइट, और स्विच गियर्स में जो ब्लू कलर की लाइट है वो काफ़ी प्यारी लग रही है। तो बात करते हैं इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है, वो है दिल्ली में 2,20,000 रुपये। बाकी शोरूम की डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोई भी क्वारीज है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।